हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई कैप गुरु चैनल। इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं टॉप 10 पेनी स्टॉक का सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो जिसका ये पहला वीडियो है सीरीज़1, इस तरह करके टोटल 10 वीडियोस आएंगे इस पे पेनी स्टॉक पे 2019 के लिए। और सीरीज़1, 2, 3, 4 करके 10 करके 10 वीडियोज़ होंगे। और इसमें ऐसे ऐसे मैंने रिसर्च करके पेनी स्टॉक निकाला हूँ जिसका रेवेन्यू बहुत अच्छा है, जिसका सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, जिसका प्रॉफिट बहुत अच्छा है, कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत कम है, ना के बराबर या कर्ज नहीं है, और उनके जो प्लेजिंग है, प्रोमोटर के प्लेजिंग जो शेयर हैं वो नहीं के बराबर है या तो नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। तो उस तरह के 10 मैंने पेनी स्टॉक 2019 के लिए निकाला हूँ। और ये पेनी स्टॉक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा जान करके और देखने के बाद। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सीरीज़ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो इस सीरीज़ को कंप्लीट देखें और अपने जो अच्छा लगे तो इसको कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए देर न करते हुए इस सीरीज़ का पहला वीडियो हम लोग चेक करते हैं, वो कौन सा पेनी स्टॉक है। तो ये एक बहुत बहुत अच्छा एक बिज़नेस है इस पेनी स्टॉक, ये जिस कंपनी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे उसका जो बिज़नेस मॉडल है बहुत अच्छा है। काफ़ी छोटी कंपनी है और छोटी होने की वजह से इसका मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, तो अपने सेक्टर में अभी काफ़ी ग्रो कर रही है कंपनी। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में, पूरा डिटेल हम लोग चेक करेंगे और जानेंगे कि ये स्टॉक वो हमारे पोर्टफोलियो के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो चलिए वो जानते हैं कौन सा स्टॉक है। तो ये स्टॉक आप लोग के सामने है, फेरो एलॉयस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसका भी करेंट मार्केट प्राइस अभी 4 रुपये के आसपास है, 4 रुपये 86 पैसा है, 4.86 पैसे। और इसका मैं जो बताऊंगा कि इसमें जो है कि कभी भी आप 50%, 60%, 100% का प्रॉफिट आपको अचानक इसमें देखने को मिल जाता है। आप जैसे कि एक एग्जांपल मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे देखिए 18 फरवरी को ये 2.91 का इसका मार्केट कैप है, 2.91 रुपये का। और उसके बाद ये सीधा यहाँ पे 8 मार्च को ये स्टॉक हो जाता है सीधा 5.58 रुपये का, 5.58 5.58 रुपये का हाई लगाया है। तो यहाँ पे डबल हो गया है करीब एक महीने के अंदर 20 दिन में। तो इस तरह का इसमें उछाल आपको देखने को मिलेगा हमेशा। तो आपको अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें चौकन्ना रह के इस तरह का प्रॉफिट का मज़ा ले सकते हैं। और इसमें चूंकि मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो 10 का 10 पेनी स्टॉक है, तो पेनी स्टॉक आपको जितना हाई रिटर्न देता है उससे कहीं ज़्यादा डुबाने के भी चांसेस रखता है। तो कभी भी पेनी स्टॉक में अपना पूरा का पूरा पैसा कभी नहीं लगाना है और मेरे कहने पे भी डायरेक्टली नहीं लगाना है। तो अपना वही पैसा इसमें इन्वेस्ट करें जो आपको लगे कि अननेसेसरी है, उसका फ्यूचर में भी यूज़ नहीं होने वाला है, ताकि ये पैसा आपका चला भी जाए तो आपको ज़्यादा दुख ना हो। तो वैसे पैसे को ये पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि आपके सारे हार्ड अर्न मनी को इसमें इन्वेस्ट कर दें। और एक बार इसमें चला जाएगा तो फिर आपको बहुत लॉस होगा और बहुत इसमें आपको अफसोस होगा। तो पेनी स्टॉक में अपना पूरा का पूरा कभी भी पैसा ना लगाएं, क्योंकि ये जितना आपको कमा कर देगा उसमें इसमें डुबाने का भी क्षमता उतना ही होता है। तो ये मेरे तरफ से एक सुझाव था, आप सोच समझ के, खुद समझदार है तो उसी हिसाब से एनालिसिस करके और इन्वेस्ट करें। तो ये है इस तरह का इसमें मूवमेंट। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 अगस्त 2018 में करीब करीब 4.32 का लो बनाया था यहाँ पर, और उसके बाद हाई देखी होती है यहाँ पे 7.5 रुपये के आसपास हाई लगाया। तो इस तरह का आपको अचानक जंप 60%, 70%, 80% का आपको जंप कभी भी मिल सकता है, कभी भी इसमें कमा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोचते हैं तो आप इसमें थोड़ा पेनी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको करेंट लेवल पर जब भी लगे इसमें आपको लो बना रही है कंपनी, जब करेंट मार्केट प्राइस लो अगर बनती है तो उस समय आप इन्वेस्ट करें, और जब लगे कि आपको हाई हुआ 30, 40, 80% का आपको प्रॉफिट हुआ तो आप बुक करके निकल सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी बना करके ऐसे पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें। अब यहाँ पे मार्केट कैप की बात करें तो 90,000 का मार्केट कैप है, बहुत छोटी कंपनी है और बहुत छोटा मार्केट कैप है, तो इसीलिए पेनी स्टॉक में है। और वहीं पे अगर इंडस्ट्री की जिस इंडस्ट्री की ये स्टॉक है, वो आपको मैं बता दूँ कि ये कि एक फेरो एलॉयज है जो कि यूज़ होता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसमें इसके प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है। तो माइन से ये फेरो एलॉयज निकालते हैं, और अभी मैं आगे बताऊंगा कि वो इसके जो प्रोडक्ट है वो कैसा है और कैसे इसका जो है कि स्टील में यूज़ होता है, वो सारा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो
इस वीडियो के एंड तक देखें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो डिलीवरीज़ हैं 98 के आसपास का डिलीवरीज़ है इसमें। अब फाइनेंशियल स्टेटस अगर चेक करते हैं हम लोग, तो पिछले चार क्वार्टर का अगर रिजल्ट देखें तो 116 करोड़, 152 करोड़, 139 करोड़, 134 करोड़ का इसने पिछले चार क्वार्टर में नेट सेल्स दिखाया है। तो नेट सेल्स में भी बहुत अच्छा इसका सेल्स है, जिस हिसाब की कंपनी है छोटी और उस हिसाब से इसका सेल्स बहुत अच्छा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि 9.5 करोड़, 11 करोड़, 8 करोड़, 60 लाख, 7 करोड़, 30, 31 लाख के आसपास। तो ये हर क्वार्टर करोड़ों में अच्छा खासा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। कर्ज की बात करें तो 39 करोड़ का सिर्फ कर्ज इस कंपनी के ऊपर, ज़्यादा कर्ज नहीं है कंपनी के पास। नेटवर्थ 200 करोड़ का नेटवर्थ है, तो सब कुछ ठीक है इसमें। अब इसमें एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, सीधा इसके वेबसाइट पे जाते हैं और इस कंपनी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, कब शुरू हुई है, इसका प्रोडक्ट क्या है और इसका बिज़नेस इंडिया के अलावा और भी कहीं है क्या, तो वो सारा चीज़ आपको देखने को यहाँ मिलेगा। जैसा कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, फेरो एलोयस कॉरपोरेशन लिमिटेड इन कॉरपोरेटेड इन 1955 में ये कंपनी शुरू हुई थी और वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ फेरो एलोयस एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। ये एक इंडिया का जो है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है फेरो एलोयस को, और उससे उसके जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो उनकी ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, और जो कि ये जो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं, स्टेनलेस स्टील में मैन्युफैक्चरिंग में इसके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। और इनके जो कंट्रीज़ हैं, किस किस कंट्रीज़ में इनका एक्सपोर्ट होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोरिया, जापान, इटली, नीदरलैंड्स, यूएसए, टर्की, चाइना, ताइवान, तो ऐसे मतलब बड़े बड़े कंट्रीज़ में इनके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कंपनी में अच्छा खासा पोटेंशियल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1955 के आसपास की कंपनी है। अब यहाँ पर अगर मैं उसके प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो इनका इस तरह का काम होता है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इनका जो माइंस से इनके प्रोडक्ट को निकाला जाता है, फेरो जो है एलोयस जो है माइन से निकाल करके उसको भट्टे में यहाँ पे पिघलाया जाता है। उसमें से क्या होता है, इनके जो फेरो एलोयस होते हैं, जो एलोयस होते हैं उसमें कई तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको मैग्नीज और इसमें जो मैग्नीज होता है, और उसके अलावा एक दो और तरह के जो बहुत इम्पोर्टेंट आपको मैं दिखा दूँगा आगे कि यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जैसे एलिमेंट्स सच एज मैग्नीज, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। तो ये तीन तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं ये एलॉय में पाया जाता है, और ये सब चीज़ यूज़ होता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो इस तरह का इसका काम है, आपको बहुत कुछ अंदाज़ा लग जाएगा यहाँ से देखने के बाद। तो माइन से ये लोग निकाल करके फिर उसको प्रोसेस के थ्रू ढाल करके उसको स्टील बनाने में यूज़ किया जाता है, और इस तरह के ये चंक्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं एलोयस के, और उसमें से फिर ये फ़िल्टर करके और प्रोसेस करके इसको स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है, और स्टेनलेस स्टील में भी यूज़ किया जाता है। तो ये रहा प्रोडक्ट, इसके वेबसाइट पे जाके और भी आप डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। अब एक विकिपीडिया में जाते हैं हम लोग, वहाँ से भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, फेरो एलोयस रेफर टू वेरियस एलोयस ऑफ आयरन विथ ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ वन और मोर देन मोर अदर एलिमेंट्स सच एज मैगनीज, एल्युमिनियम और सिलिकन। तो ये तीन तरह का एलिमेंट होता है जो कि एलोयस में पाया जाता है, और उसको स्टील मैन्युफैक्चरिंग जब होता है तो उसमें यूज़ किया जाता है। तो इस चीज़ का काफ़ी डिमांड है, और इंडिया के अलावा बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसे चीज़ों की डिमांड है, इसके प्रोडक्ट्स का डिमांड है इस तरह से। इसीलिए छोटी सी कंपनी होने के बावजूद कई सारे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स को। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे आपको, जैसा बताया कि द लीडिंग फेरो एलोयस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ इन 2008 में, ये कि लीडिंग प्रोड्यूसिंग थी एलोयस को, और यूक्रेन, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड रसिया विच इनकाउंटेड फॉर 77% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन। तो इनका बहुत अच्छा खासा बिजनेस है जो कई सारे कंट्रीज़ में चलता है। और उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं तो इसके
एक बार मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि इनके जो प्रोमोटर है उनके पास इस कंपनी का स्टेक कितना है, और वो जो स्टेक है, जो उनके शेयर है उनके पास, प्रोमोटर के पास, वो कितने परसेंट इसमें प्लेस्ड किए हुए हैं बिज़नेस को चलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इनके जो प्रोमोटर के पास जो स्टेक है 72.83% का स्टेक है, जो कि बहुत अच्छा हेल्दी माना जाएगा। प्रोमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक है कंपनी का, और लेकिन उसमें एक निगेटिव चीज़ ये है कि ये जो स्टेक है उसमें से, ये जो 72% का स्टेक है उसमें से 29.64% का जो स्टेक है प्रोमोटर ने प्लेस्ड कर रखा है, गिरवी के रखा है। तो एक यहाँ पे ये निगेटिव आपको मिला है स्टॉक में। अभी तक जो भी हम लोगों ने देखा वो पॉजिटिव चीज़ था, अभी एक निगेटिव है कि प्लेस्ड है, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा उतना टेंशन वाली बात नहीं है। अब चलते हैं इसके एक बार बिजनेस परफॉर्मेंस पर हम लोग ध्यान देते हैं, और इसका रेवेन्यू, सेल्स और इसका जो प्रॉफिट है उसके बारे में हम लोग चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अभी पाँच रुपये के आसपास है, और उसके बाद ये मार्केट कैप भी आपको देख सकते हैं, और फेस वैल्यू जो है कि 1 रुपये है फेस वैल्यू है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें कोई म्यूचुअल फंड है कि नहीं, तो चूंकि छोटी कंपनी है, काफ़ी छोटा मार्केट कैप है, इस वजह से कोई भी म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टेड नहीं है। ऐसे स्टॉक में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट नहीं होते हैं, पेनी स्टॉक में नहीं होते हैं। तो एक बार हम लोग शेयर पैटर्न इसमें देख लेते हैं, उसके बाद रेवेन्यू और डेट को चेक करेंगे कंपनी का, प्रॉफिट के बारे में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट कैसा है कंपनी का। तो यहाँ पे प्रोमोटर देख लीजिए, प्रोमोटर ये फॉरेन प्रोमोटर और ये इंडियन प्रोमोटर दोनों मिला करके करीब करीब 72.8 समथिंग का इसमें स्टेक है प्रोमोटर का। और उसके अलावा कई सारे इसमें इसके अलावा जो इसमें पब्लिक शेयर होल्डर है, तो कोई भी पब्लिक शेयर होल्डर नहीं है, सारे के सारे इसमें प्रोमोटर के पास इसका स्टेक है। तो अब सीधा चलते हैं, इसको एनुअली चेक करते हैं कंपनी का एनुअली ग्रोथ कैसा है। तो एनुअली ग्रोथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पी रेशियो भी कंपनी का बहुत कम है, 2.52 का जो पी रेशियो है, तो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पर कह सकते हैं अवेलेबल है स्टॉक। अगर इसमें रेवेन्यू की बात करें तो 2012 में 486 करोड़, 535 करोड़, 651 करोड़, 603 करोड़, 573 करोड़, 611 करोड़, और मार्च 2018 में 539 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। और यहाँ प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट ये कंपनी 2012 से लेकर 12, 13, 14, 15, 16 तक कंपनी ने लॉस मेकिंग कंपनी थी, लॉस बनाती थी कंपनी को लॉस होता था, लेकिन 2017 और 18 के बाद कंपनी को प्रॉफिट होना शुरू हुआ है, और वो भी प्रॉफिट बहुत अच्छा प्रॉफिट कहा जाएगा, 22 करोड़, 55 करोड़, सीधा लॉस से उठ करके कंपनी बिल्कुल यहाँ से 53 करोड़ के माइनस से उठ करके कंपनी 22 करोड़ पॉजिटिव रिजल्ट दिया, तो यहाँ बहुत अच्छा। उसके बाद 22 से सीधा 55 करोड़ का प्रॉफिट है, तो बहुत अच्छा है। इसमें रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व भी 182 करोड़ का रिजर्व है, और शेयर होल्डिंग फंड देखें तो 200 करोड़ का अभी शेयर होल्डिंग फंड है कंपनी के पास, वहीं पे कर्ज 39 करोड़ का कर्ज है। तो डेट इक्विटी रेशियो भी बहुत अच्छा है, बहुत कम है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर। और अगर यहाँ पे डेट टू इक्विटी देख सकते हैं, यहाँ पे 0.20 का है, और वहाँ पे ROCE देख सकते हैं 30 का है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन भी 14.91 का है, नेट मार्जिन भी 9.72 का है, और यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ में देखें तो वो भी थोड़ा माइनस में है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ में देखें तो 151% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ है, तो बहुत अच्छा है। EPS ग्रोथ में भी 151 का EPS ग्रोथ है। तो कुल मिला के ये रहा आज का एक पेनी स्टॉक सीरीज़ का पहला स्टॉक, और इसमें जो हम लोगों ने अभी तक देखा तो इसमें बिज़नेस भी ठीक है, इसका प्रॉफिट भी ठीक है, और कंपनी का जो ऊपर कर्ज है वो भी कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, EPS भी ठीक है, अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है। इसमें एक सीट अभी तक नेगेटिव यही है कि 29% का जो स्टेक है वो प्रोमोटर का जो स्टेक है वो प्लेस्ड है, तो ये एक नेगेटिव है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मेरे कहने पर डायरेक्टली इन्वेस्ट कभी ना करें, अपने एंड से पूरी तरह से एनालिसिस करें, एनालिसिस करने के बाद आप सेटिस्फाई होते हैं उसके बाद इन्वेस्ट करें, वो भी थोड़ा थोड़ा करके इस पैनी स्टॉक में पैसा लगाएं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल बटन को हिट करना कभी ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा, अदरवाइज़ नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।